आई हैव टू ट्राई, अभी मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ अच्छी वीडियो बनाऊँ। ओ डक अटैक, रोल में जा रहा था और इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया अभी। क्योंकि जो रोड व्यू है, रोड थोड़ा सा अप है, सो मैंने सोचा कि मुझे रोड से थोड़ा अप रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए जो है वो मेरे लिए अच्छा होगा। सो अभी ये मैंने जो सेलेक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। ये है जी मेरा अटैच वाशरूम, और अनदर साइड भी सेम है अटैच वाशरूम, ये पीछे जो है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपके साथ उस्मान अली, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान मलिक। व्यूअर, बहुत ही दिन के बाद, आई थिंक सो 4 or 5 days के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूं। बहुत ज़्यादा बिजी था कंस्ट्रक्शन काम में, और दिन भर अपने काम को देखना और इधर उधर zigzag बहुत ज़्यादा थी, सो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आई एम सॉरी उसके लिए, बट आई हैव टू ट्राई। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ अच्छी वीडियोस बनाऊँ। ओ डक अटैक, रोल में जा रहा था और इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया अभी। ओह अगेन, रोल में अभी आगे जा रहा था और इस डक ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब भी कोई बाहर से कोई बंदा आ जाता है न्यू, तो उसको नहीं छोड़ती, और मेरे साथ ये बिल्कुल ही हिली मिले नहीं है, सो इसने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ काम जो है वो कल का हो गया है ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा कुछ बाकी है, वो भी आई थिंक सो आज क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है इसको मैं कुछ टाइम के लिए, 2-3 months के लिए इसको लीव करूँगा, यहाँ पर छोड़ूँगा, ताकि इसके अंदर कुछ बुराई वगैरह ये वो जो भी करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह दोबारा से मैं इसको आफ्टर 3-4 months जो है स्टार्ट करूँगा और इसको कम्प्लीट करूँगा इंशाल्लाह। सो व्यूअर, बहुत ही दिनों के बाद जो है मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, आई थिंक सो 4 or 5 days के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा बिजी था, और फुल डे मैं यहाँ पे जो है देखता था इधर उधर, कुछ मटेरियल लाना, ये करना, वो करना, सो बहुत ज़्यादा zigzag थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना क्या प्लान सेट किया है, और यहाँ पर जो है मैंने क्या क्या डिटेल्स मतलब रखी हैं, आपको मैं उसकी कम्प्लीट रिव्यू करवाता हूँ। मेरा नक्शा क्या है और मेरा प्लान क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो व्यूअर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्लान क्या है, और प्लान के हिसाब से जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेरे प्लाट का जो साइज़ बनता है, आई थिंक सो ये बनता है कुछ 60 by 30 का। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, या 30 by 60 का जो भी कह लें। सो अभी मैं आपको आगे से जाके दिखाता हूँ बैक साइड से कि मैंने क्या प्लान सेट किया है। और अभी यहाँ पे कुछ काम बाकी है, यहाँ पे कुछ कंक्रीट वगैरह आएगी, जैसे ये स्लैब आपको पीछे नज़र आ रही है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ व्यूअर। व्यूअर ये जगह जो है पीछे गहरी थी काफ़ी ज़्यादा, और सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको थोड़ा हाइट पे भी लूँगा, क्योंकि जो रोड व्यू है, रोड थोड़ा सा अप है, सो मैंने सोचा कि मुझे रोड से थोड़ा अप रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए जो है वो मेरे लिए अच्छा होगा। सो अभी ये मैंने जो सेलेक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। ये है जी मेरा अटैच वाशरूम, और अनदर साइड भी सेम है अटैच वाशरूम, ये पीछे जो है ये गैलरी है जहाँ पे वाशिंग वगैरह, क्लॉथ वाशिंग वगैरह ये वो। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये एक रूम है, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये साइड, ये भी एक रूम है। ओके, और उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ जी ये वाला एरिया, यहाँ पे कुछ काम बाकी है अभी, ये कुछ स्लैब वगैरह कंक्रीट आएगी यहाँ पे। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो साइड है उस साइड पे आएगा मेरा किचन। किचन आने के बाद वहाँ पे कॉर्नर में एक जो है वो अटैच बाथ जाएगा, उसके लिए ड्राइंग रूम के लिए, वो ड्राइंग रूम है सामने। और यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल जहाँ पर आपको पाइप नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है एक सोफ़ा, और यहाँ पर इस वाल पर जो है वो TV यूनिट का प्लान सेट हो रहा है मेरा। सो इस माइंड सेट से मैं चला हूँ। बेसिकली तो मैंने कहीं से भी नक्शा नहीं बनवाया, लेकिन अपने माइंड सेट से, क्योंकि मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन वगैरह आते रहते हैं। सो मेरे प्लाट के हिसाब से जो है वो ऐसा ही बनता था। सो ये मैंने ड्राइंग रूम सेट किया है जी, और ये मेरा जो है वो कार के लिए गैराज वगैरह है। अभी यहाँ पे इंशाल्लाह 1-2 दिन 4 दिन तक इसके अंदर ब्राई वगैरह डालेंगे, ये वो एवरीथिंग, उसके बाद आपको इसका फुल रिव्यू शेयर करेंगे। और ये ट्रीज़ का व्यू देखें व्यूअर, मेरे घर के साथ कितना अमेजिंग लुक देता है।
और ये काउज बांधी हुई हैं आउटसाइड पे, और इसके अलावा ये है जी मेरा फ्रंट एरिया। सो मेरे घर का जो फ्रंट एरिया है वो ये है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है और ये डक्स नज़र आ रही हैं आपको, ये फौरन अटैक करती हैं क्विकली। व्यूअर, ये जो विलेज लाइफ है इसका अपना ही एक मज़ा है, और अर्ली मॉर्निंग में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ इस लाइफ को। व्यूअर, ये है जी विलेज लाइफ। मतलब व्यूअर, मैं दुबई में जब होता हूँ तो मैं इस लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये देखो ये कहाँ पे खड़ा है ये जहाँ पे खाना खाता है वहीं पे खड़ा हुआ है, यानी आई मीन खाना इसका जो चारा है जहाँ पे खाता है ये वहीं पे खड़ा है। और ये काऊ बैठी हुई है एक इस साइड पे है, और दो तीन जानवर जो हैं वो इन साइड में है वहाँ पे। सो व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे घर की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और इस घर का जो पहली ईंट है वो मेरी अम्मी जान ने लगाई थी। सो माँ बाप की दुआ भी लेनी चाहिए और माँ बाप की दुआओं के साथ चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये स्टार्ट कर दिया, इंशाल्लाह आफ्टर 5 और 6 मंथ इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो व्यूवर्स, ये है जी फ्रंट पे मेरे रोड लुक, और ये डक्स, और ये मेरा छोटा सा घर है। और अभी मुझे इन साइड पर भी कुछ मेंटेनेंस वगैरह ये वो करवानी है। ये डक्स दिखाता हूँ आपको, इसी ने व्यूवर अटैक किया है मेरे ऊपर सुबह। मैं दिखाता हूँ अभी आगे आ रहा हूँ, मैं मेरे पीछे भाग के आता है। सो व्यूवर, अभी बाइक को भी सर्विस करवाना है आज, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। आगे मैंने एक बार करवाया था, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था और मेरा फ़ोन घर में पड़ा हुआ था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा सर्विस स्टेशन का पूरा व्यू और एवरीथिंग। व्यूअर, ये है जी इसकी लुक, और इसकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतनी मट्टी और इतनी डस्ट है इसके ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई है इसकी। आज इसको भी जाके यस करवाना है, एकदम टका टक ओके होना चाहिए। वाओ, अभी इन साइड पर मेरे लिए जूस तैयार हो रहा है, मिल्क शेक विद अ ड्राई फ्रूट। आई वाह व्यूअर, इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे, ये है जी मेरा प्यारा बेटा मोहम्मद अली, और इस वक्त जो है ये कार्टून देख रहा है। अली बाय 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 बाय, वो आ गया मेरी तरफ, वो कहता कि उठाओ। सो व्यूअर, 3-4 घंटे सोने के बाद आज मैंने सोचा कि अपनी नींद भी पूरी करूं, और अभी रावलपिंडी का प्लान है, और रावलपिंडी की तरफ निकलना है। एक दो काम भी हैं छोटे छोटे, वो भी क्लियर करने हैं, और आपके साथ कुछ व्यू भी शेयर करूंगा, ट्राई करूंगा। और इसके अलावा व्यूअर, अभी शाम के 4 हो चुके हैं, और जो पेंडिंग काम था व्यूअर वो भी थैंक्स गॉड फिनिश हो गया अभी, और इंशाल्लाह टुमारो आफ्टर टुमारो जो है एक दो दिन के अंदर जो है इसको ब्राइव वगैरह डलवाएंगे, इसको पूरा क्लियर करवाएंगे। सो व्यूअर, फाइनली चांस निकाल लिया है बाइक को सर्विस करवाने का, और अभी बाइक को सर्विस करवा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद अभी जाना है हाथ भी करवाना है, इसके बाद देखते हैं। और फाइनली बाइक भी सर्विस हो गया आज। सो व्यूअर, फाइनली मैंने बाइक भी सर्विस करवा ली है, और अपना हाथ वगैरह भी करवा लिया है, और इस टाइम मैं रावलपिंडी में हूँ, और अपने इस आज के व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।